मैं तुम्हीं से मिलने आई हूँ। हाँ मिस्टर घोष बोर्ड की मीटिंग में गए हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस पार्टी के दिन से मैं बहुत परेशान हूँ विजय। तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है ना? नहीं मीना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़्म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाग उठे। पिछली बातें भूल जाओ मीना। भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती ना करो मीना। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया। यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया। गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं प्यार ही नहीं भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम। उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दो मीना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते वक्त तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती हो। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है, और ये तुम कभी नहीं समझ सकते, इसलिए नाखुश हो। बहुत खूब, मेरी बीवी और एक बाजारी औरत में कोई फर्क नहीं। जरा सोच समझ के बातें करो, सिर्फ मामूली सी जान पहचान थी हम दोनों की। धूल मत झोंको मेरी आंखों में, ये सिलसिला कब से चल रहा है? मैं कहती हूँ मामूली सी जान पहचान थी हम दोनों की, और कुछ नहीं, नहीं। तुम यूं ना मानोगी, मैं अभी तुम्हारे चहेते को नौकरी से निकाल देता हूँ और फिर देखता हूँ कि तुम्हें उसका दर्द होता है कि नहीं।